हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे विच एक खावद ने अपनी बीवी को आखा भी तू तो मेरे वास्ते मेरी माँ है, जिमें माँ मेरे वास्ते जायज कोई नहीं, तू ही मेरे वास्ते जायज कोई नहीं। ये औरत वो है जिंदा ना खौला है, इन्हें खावंद ना औस है, दोवे सहाबी कहीं गाल ते अड़बड़ थी गई, इन जाल को गुस्सा करके आख दिता तो ये वो जाल है जिंदा प्यू मैदान ओहद शहीद थी गया है, इंदे भरा मैदान खंदक शहीद थी गए हैं, इंदे पुत्र कोई नहीं है, छोटे छोटे बाल हैं, छोटे छोटे पुत्र कोई निके होने वे को नहीं ते बारह बाल हैं धियाँ समेत, ते इन टाइम भरा द घर भी कोई नहीं, जैसे घर रावे प्यू द घर भी कोई नहीं, माँ भी फौत थी गई, ते खावन दे ले ए लफ्ज आखा तो ये परेशान थी गई कि ये तो उस जमाने की तलाक होंगी है, तो मैं रखे बड़े सी ई टाइम मैं को ई बुढ़ेपे झले सी कौन, प्यू होवा हा तो उन्दे बूहे ते वंज मावा हा, माँ होवे आ तो उन्दे सिर ते वंज मावा हा, भिरा होवे ना वो यके शहीद थी गए, मैं वैसा कहते भड़वियाँ के बूहे ते करण तक बंदा बैठा रहा सी, उशुदी रोंदी अल्लाह दे रसूल दी खिदमत ही चाहिए आ के ते इगा लसुस का या रसूल अल्लाह मेरे मुसाले मैं को ए लफ्ज रखा है, मेरा सोना नबी मेरे वास्ते के हुक्म है, अल्लाह दे रसूल भी वो दस्तूर दे मुताबिक जवाब तलाक अला दिता जरा उस जमाने का हाई पी है। हजरत खौला अर्ज कर लगियाँ या रसूल अल्लाह ए फतवा तो मैं को लोग आई दिता है, लेकिन ये फतवा कोई इस्लाम अला नहीं है, प्यू डाडे को सारी तरतीबी में आती पी है, तुसा इस्लामी फतवा मैं को दसो तुरी शरीयत मेरे बारे क्या आती है। हजूर फरमाए खौला मसला इो ही भी शरीयत हाल इन वास्ते हुक्म कोई नहीं लत्था, जब तक न लत्था होवे असा ही वो सही मसला पिछला होवे तो वो टुरे नहीं अगो। हजरत खौला आखा अच्छा अल्लाह सही नहीं लहाया, पर ठीक है बात मैं अपने अल्लाह नल गल करें दी, ई जाल मुसल्ला सट ते रब तू मंगे, अल्लाह की कसम बंदा हैरान थी वेंदे। सूरत नंबर 58 दा पहला पूरा रकू, 28वें सिपारे दा पहला सफा सिर्फ ही एक औरत दे मंगण ते नाजल थी अगो, पूरा पहला रकू। और एक कुरान करीम दी वाहिद सूरत सूरतुल मुजादला जेंदे 22 आयत हैं ते 40 दफा या एक गट 40 दफा लफ्ज़ अल्लाह विच इस्तेमाल थी, हर आयत च लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत च लफ्ज़ अल्लाह, पूरे कुरान दी 114 सूरतें चो कोई सूरत ऐसी को नहीं जैसी हर आयत च लफ्ज़ अल्लाह होवे। ए सूरतुल मुजादला ओ सूरत ही वे, आयतां तो 22 हैं ते कहीं आयत 4 दफा, कहीं 3 दफा, कहीं 2 दफा, नहीं तो 1 दफा तो हर आयत च लफ्ज़ अल्लाह 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 खड़ो त। ए एक जाल दे मंगण ते लथा पिया वे मसला, वो औरत अल्लाह के रसूल नाल गाल की थी, उठी के गई दुआ मांग के जो वली आओ एक कुरान करीम में तेरे सामने खोल के यह सूरत रख लेना, ई औरत जो आई थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते आयत लह गई है। सूरत नंबर 58 सूरत मुजादला 28 सिपारे का पहला सफा है, लफ्ज़ सुने जरा بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله قد ماضی دے اوتے آندا ہے عربی دے وچ اسا مولویاں دی زبان وچ ماضی او کو ادن جری گل تھی گئی ہوے تے او کو لفظ قد نہ لاکھو تے جے کو ادن ڈڈھا پلی گل ہے تقویت کے لیے ماضی پر آتا ہے ٹھیک ہے تے اللہ سے کہ قد سمع اللہ شروع تھنوں ایتھوں کیتا ہے कि मेरे प्यारे पैगंबर ओ मैं सुन गिद है केश कौल अल्लती ओ जनानी अली गाल केड़ी जनानी तू जा दिलू का येरी शोदी गालियां नाल तुहारे नाल लड़ा नहीं खड़ोती है बजाहिर लड़न दा मन फिर अपनी गाल घिन के ते अपना रोल ऑफ चाह के ते तुहाडू आई खड़ी आई किस वास्ते आई खड़ी आई फी ज़ौजिहा अपने खावन दे बारे मुसाले का मसला गिन के आई आई तो तुसा जरा जवाब दिता तो दिता तो वह औरत तुहारे को हटी व तश तकी इला शिकायत मैकू आ की
ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ। ਈ ਉਮਰ 'ਚ ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬਾਸਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸਾਲਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਤਿਕੜਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਿਹੋ ਸੀ, ਮੈਦਾ ਕਿਬੜ ਸੀ। ਵਤਸ਼ ਤਕੀਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਸਮਾਉ ਤਹਾਵੁਰਾ ਕੁਮਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗਾਲ ਕੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਲ ਕੋ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਥੱਡਾਉਂ ਇਹ ਗਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੱਕ ਖੜੀ ਵੇ, ਫਰਸ਼ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਪਿੜ ਗਈ ਹੈ। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم। میرا پاک نبی اے حکم انہاں کو پڑھ کے سنا لے، اے لوگاں جڑا کم ہن تک کیتا ہے سو کیتا ہے، لیکن ہن کہ اپنی زنانی کو ایویں آکھا جو تو میرے واسطے ایویں ہیں جویں میری ماں، ما هن امهاتهم، ما شاہ کوئی نہیں بڑھ سی، ہن طلاق نہیں تھی ونی، جو مطلب ماں بڑھ گئی ہے تو طلاق تھی گئی ہے، جی نہیں، ماں ہن امہاتہم، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، انہاں دی ماواں تو انج انہاں دے ڈڈ چ جام کے ہیں، اے آکھن نال ماں نہیں بننی، متا آکھن اسا جان چھڑا دیسوں، لیکن و انہم لا یقولون منکرا من القول وزورا، کوڑی تے گناہ والی گال ہے اگر ہن کوئی آکھسی تا، اے آکھنا کوئی نہیں، اے غلط ہو سی، گناہ ہو سی، جرم ہو سی، کوڑ ہو سی، ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਖਾਏ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਾਕ ਨਿਵੇ ਥੀਂਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਸ਼ੋਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਬਰ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਅਫੂਵੁਨ ਗਫੂਰ, ਪਿਛਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਣਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਅਫੂਵੁਨ ਗਫੂਰ, ਅਫੂਵੁਨ ਦਾ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਾਮ ਤਾਕੀਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮਾਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। لعفو غفور، غفور غفرا کلے، غفرا عربی پتہ کہ کو دن شاید تے کور چڑھاؤ چنا ایک مغفرا دن سر تے ٹوپی پہندن فوجی جنگ چکو دن فائٹنگ کیپ جکو اسا ہیلمٹ آ دے فائٹنگ ہیلمٹ ہیلمٹ ہی آ دن ان دے نال کے گولی پار نہیں تھیندی تے ایک مغفرا دن عربی بے اے جی اوتے پردہ چڑھا پیا کہ بندے دی اصل شے محفوظ ہے۔ غفور اللہ دی معاف دی او صفت کو عادل فرمایا میں او رحمت دی چادر انہاں تے پا لے سا کہ انہاں تے آئندہ غلطی دا اثر نہ تھی سی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہن طلاق تا نہیں تھیندی، لیکن کوئی اج تو بعد بعد وچ کوئی امت دا بسہتا اے جیاں مکالا مال کھڑو وے تے ایویں اپنی زال کو ایویں آکھ کھڑو وے تے ان واسطے کے مسئلہ اللہ سے گما۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اے جیاں کم کیتا ثم یعودون، تے ول اون دے بعد آ کہے کم تو خراب ہے ہن میں رجوع چ کراں۔ فرمایا ہن سنو جواب، لما قالو جس آکھیا وے اوندا کفارہ فتحریر رقبت من قبل ان يتماسا، ہے غلام ملوں گن کے گنڈوں پیسے دے کے اللہ دے ناں تے آزاد کرنا پوسنے۔ اج دے دور دے وچ غلام کوئی نہیں، غلام کوئی نہیں، تے اے غلام گن کے آزاد نہیں تھیندا، ٹھیک ہے۔ لیکن غلام دا متبادل سارے فقہا لکھے کہ اگر اللہ سے اگلے دو حکم نہ دتے ہوے نا ول اوندا متبادل تھی ویا۔ متبادل کتنا ہے؟ ایک بندہ اگر مریض ونجے تے اوندے سو اٹھ خون بہا اوندن ارش ہوندی اوندی، تے غلام قتل تھی وے تے ادھی ارش ہوندی ہے پنجا۔ تا اج کہ اپنی زنانی کو اگر ایویں آکھا تے اگلے دو حکم نہ ہوندے تے اللہ دے رسے وچ پنجا اٹھ قربان کرنے پوے نا۔ فتحریر رقبت من قبل ان يتماسا، سن گنو اے زنانیاں نال جھال کے علاونا پوندا ہے، نہیں تے اٹھ لنوا رہندیاں نو، یاد رکھے ٹھیک ہے نا۔ اچھا ٹھیک، ذالکم توعظون بہ، اللہ سہی تو کو نصیحت کرندا پیا وے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ کیتا تے اللہ کو ڈاڈھا پتہ ہے۔ فمن لم یجد، اگر غلام آزاد کرن دی طاقت کوئی نہیں، ہن فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، حالِ زنانی دو ونجن تو پہلے
दू महीने पैदर पै जैको सरैकी चाह दिन अतो तो रोजे रखने पे सन, एक बैद पिछू छोड़ना नहीं पोसी। ये पैदर पै दी सरैकी अतो तो बढ़ती है। ये मैं थोड़ी जल्दी की जो तो लसम इंशाल्लाह एक को याद ना हो गया। मैं वे वे सरैकियों को पूछ के तो पका ही वादा कुछ लफ सरैकी दे लोग मैं कहते सरैकी तकरीर कर आप अल्लाह में कख नहीं आँधी उन्होंने सरैकी दी तो आपको आँधी है। मैं दो चार पाँच लफ सरैकी पूछो तो मैं ना दस आ सकसो। अज इतना प्रोग्राम है कोई दस भी प्रोग्राम को सरैकी क्या दे। चलो मौलवी सुनी वदन ना मैं आवाम तो पूछदा भी प्रोग्राम की सरैकी करो। रेडियो को सरैकी क्या दिन, मोबाइल को सरैकी क्या दिन, टीवी को सरैकी क्या दिन, वीसीआर को सरैकी क्या दिन, एंटीने को क्या दिन। यजुल्लो सादुल्ला खेतरान ने 60,000 अल्फाज थे सरैकी तो उर्दू लुगत जकरिया यूनिवर्सिटी भावलपुर तो लिखी है उसको पढ़ गए तो एक एक लफ्ज मतलब पता लग सी। इवें मुफ्त खाम हाथ मेरे सिर तो डंडा भी सरैकी सरैकी हूँ मैं आंदा पी लाले असलम होने भाई अरसा जी सरैकी मौलाना फरमा जी सरैकी वो अल्लाह भावे सरैकियों को सरैकी नहीं आती आद अधूर आ दिन। अच्छा दसो प्रोग्राम को क्या दिन। मैं प्रोग्राम तक गया अज दो प्रोग्राम अज एक प्रोग्राम है क्या दिन इकट्ठ आ दिन प्रोग्राम को। मैं वो डिक्शनरी चु पढ़ी बता भी अज ही साढ़ा इकट्ठ इकट्ठ को इंग्लिश आदन प्रोग्राम असाड़े तो उर्दू एडी गालिब थी गई। मैं सही अचानक में थी है सरैकी भूल गए आबड़ गोती थी है जी हाँ बुजुर्गो इवें नहीं बात कोई आबड़ गोती याद है। मैं स्पेशल तेरे वास्ते गिनाया जी नहीं पोतरा उचेचा तेरे वास्ते गिनाया कोई याद है उचेचा सारे आराधन से सरैकी तकरीर करो। इवें सौखी सरैकी भी नहीं आती इवें मैं तो इन तो करके टरखाई वादा बाकी सरैकी सरैकी ना तो आपको आती है तो नहीं साको आती है। फसयाम शहरैनि मुततबिअैनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा दो महीने दे अतो तोक रोजे रखने पोसे निकबे दे पिछू पैदर पै वल वज के ते जनानी को हाथ ला सकसी। ए दूजा हल है जो ए भी नहीं कर सकता फमल्लम यस्ततया इंदी इस्तेतात कोनिस उलमा बैठन फमल्लम यजीन ते फमल्लम यस्ततया दा बड़ा फर्क है लेकिन दरसगाह है इसी वजह में अवामी लहजे जी को ना आक सकदा। फमल्लम यस्ततया फइतआमु सित्तीन मिस्कीना अगर ए भी नहीं कर सका तो 60 मिस्कीना को दू टाइम दे रोजाना खाना खवे सी रोजाना का टुकर देवना पोसेस एक टाइम दे विच एक दीवार दो दफा 60 मिस्कीन को अगर एक मिस्कीन को खवाने तो 60 दीवार खवाना पोसने वरना 60 मिस्कीन गोलो एक को इकट्ठा नहीं से ले सकते याद रखें। अल्लाह सित्तीन अका सित्तीन हुआ लफ्ज खास व युअमल वलल खास ला बिल आम सारे उसूल शाशी के बुजुर्ग लिखे कि खास तो अमल खास तो थी उन तो हट नहीं कर सकते उसूल फिक्र तो सित्तीन मिस्कीना 60 मिस्कीना को खवेसी ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाह व रसूली जो अल्लाह अल्लाह रसूल तो तुम्हारा ईमान है पूरा थीवने तो इवें कीता तो ये जवाब वे क्यों व तिलक हदूदुल्लाह ये अल्लाह दे तरफू तुआडे हदूद तुआडा वंजन दा हदूद अरबा तुआडी सरहद ये मुकरर कीती गई है भी ये तुआडी लैना हैं व तिलक हदूदुल्लाह वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन तो वलिल काफिरीन अज़ाब अलीम तो मैंने मुसलमान ही तुम्हारे वास्ते नरमी है किराड़ हो तो दर्दनाक अजाब हो गया। ये अल्लाह सही की गल है ये वो आयात इन जे उसी एक औरत दी तड़प ते लथन वो एक जाल दे इल्तिजाओ दुआओ आओ जारी ते लथन बुढ़ दे मुसलमानों मेरी गाल का मतलब यह है भी ऊ वेले दे जनानियां दा ईमान इतना आई वो इत पहुंचे खड़ोते हैं अज असा जने डू रकात पढ़ के रब तू नहीं मनवा सकते वो केड़ी मुसीबत सारे पै गई है उनकी एक वजह वो जेरे लोग हैं वो बंदे खुदा की कसम अल्लाह नाल मुखलस हैं जेरा गाल जेरे कम ही अंदरों ढिडू एक गाल आती आई असा उत्तू दे बाएं हैं ते अंदरों दे बाएं असा बाहर दे कोच ते अंदर दे कोच ये सारे खताबी आई खड़ी है उन्होंने खालिस दीन डायरेक्ट रसूलुल्लाह दी जात तो मिले खालिस अमल किया असा रोल गोल रलाई खड़ोते आज असाडा ईमान उवें थी सकता है ना खुदा बदला
ना मुस्तफा बदला, ना अल्लाह की किताब बदलीए, ना शरीयत बदलीए, ना दीन बदला, ना अल्लाह की दीन अलल मदद बदलीए। असा बदले खड़ोते हैं मेरा बिला, असा ई हां को ई दिमाग को ई जीभ को हाथ ते पैर को उवें इस्तेमाल करूं जिवें रब आद है, इवें इस्तेमाल न करूं जिवें मन आद है। अज मन चाहे तो खड़े, रब चाहे छोड़ी खड़े। इहा गाल कहें को समझाऊं, लोग जरे बके पौधन भी मौलवी कुराड़ की खड़े, डढप की खड़े। जी नहीं, मैं फिर छोटी जी गाल अगर सुन्नत की मुखालफत है, तारा पैं मिसाल लेना, ये सुन्नत नहीं मैं मिसाल लेना, अगर एक काली तार सुन्नत आई ना तो कहें चिट्टी ली है तो वह बेईमान थी खड़े वाल। सुन्नत की गाल तू नहीं हटना, शरीयत की गाल तू नहीं हटना, अल्लाह की खालस मदद में लासी। और मेरे दोस्तों ये घट एजाज है, घट इज्जत है, ये घट मकाम है जो एक औरत दे आके ते इस सूरत दा नाजल थी वना, ते इस सूरत दा ना है सूरतुल मुजादिला। मुफ्ती साहब बैठे न रोले दसण वाली सूरत, के माने सूरतुल मुजादिला दा रोला दसस, केड़ा रोला? ओ शोदी अपने पिओ दी शहादत दे बाद, अपने भरावां दी शहादत दे बाद कल्ली ही कल्ली आई अपना दर्द दिल गिन के हजूर दो ना लईए के या रसूल अल्लाह मैंने मसले दा हल कट दे। ये सूरत दा ना आवे ते ए ओ सूरत 114 सूरतां जो कल्ली वखरी, ए ओ सूरत है जिहड़ी सूरत दी हर आयत दे विच लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत दे विच लफ्ज़ अल्लाह। ये देखो ना, मैं तुहाडे सामने चार आयतां पढ़न और चार आए तो लफ्ज़ अल्लाह में गिण के तो दसा जा। इस कद समय अल्लाह गिण दिया वे, कद समय अल्लाह कितने ती गए? एक व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु इन्नल्लाह व इन्नल्लाह, दूजा वल्लाहु लितुमिनु बिल्लाही तिलक हुदूदुल्लाह। ये चार आयतें अठ दफा लफ्ज़ अल्लाह है, खुद अंदाजा लो। ये मैं कोई इंटर भुला बैठा, मैं कह जमाने गिने हैं या 39 ते या 40, अल्लाह कूड़ ना खवावे। तो बहन इतना ही खड़ी हुई 39-40 दफा के आयत कुल 22। मैंने चेचे थे को नहीं है जो मैं आज एक गाल करनी है, कारी साहब को दावत देते पैर में अल्लाह से कुल मंगना बैठा, या अल्लाह दिमाग ओ गाल पा जन इन्ना दा ही फायदा तिवे ते सारी आखरत बढ़े। तो मेरे दोस्तों ये औरत दा एक ईमानी जज्बा है। तो मैं एक गाल तुहारे सामने अर्ज कर लगा, ये क्यों है? उन्हें सच्चे दीन ते अमल किया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को ने लिठा, अपने नफसानी मामलात को ने लिठा। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।